शाहिद कपूर को कभी उतनी पॉपुलैरिटी या फैन फॉलोइंग नहीं मिली जितना वो डिजर्व करते हैं। जब भी खान्स के बाद बॉलीवुड के अपकमिंग सुपरस्टार्स की बात होती है, देयर्स ऑलवेज रणबीर, रणवीर, वरुण, कार्तिक, सिद्धार्थ, विकी कौशल, बट देयर्स हार्डली एनीबॉडी मेंशनिंग शाहिद कपूर। 2019 में जब कबीर सिंह एक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर बनी और अपने डेब्यू के 15-16 साल बाद उनको वो कमर्शियल सक्सेस मिली जो वो डिजर्व करते हैं, उनको कई सालों बाद बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में एंट्री मिल गई। एवरीवन वाज रूटिंग फॉर हिम, बट फिर 3 साल के इंतजार के बाद आई जर्सी एंड इट वॉज अ डिजास्टर। मूवी ने लाइफ टाइम बस 20 करोड़ की कमाई की, जो कि कबीर सिंह के फर्स्ट डे की अर्निंग थी। कबीर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर रिलीज के बाद उनके फैंस को उनसे काफी एक्सपेक्टेशंस थे, बट जर्सी की डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस ने अगेन उनको जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ना सिर्फ उनकी इन दो मूवीज में देखने को मिलती हैं, पर ऐसे अप्स एंड डाउन्स उनके पूरे करियर में देखने को मिले हैं। जब 2003 में शाहिद कपूर ने इश्क विश्क से अपना डेब्यू किया था, तो उस वक्त मूवी की सक्सेस ज़्यादा इंडस्ट्री ने नोटिस किया था यंग शाहिद कपूर को, हु हैड चॉकलेट बॉय लुक्स एंड ऑल्सो डांस्ड लाइक अ ड्रीम। 2003 में ऋतिक रोशन का करियर एक रफ पैच से गुजर रहा था और उनकी मूवी मैं प्रेम की दीवानी हूँ एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी। सो ऋतिक वॉज रिटर्न ऑफ। शाहिद कपूर और विवेक ओबेरॉय जैसे एक्टर्स को इंडस्ट्री के फ्यूचर स्टार्स के रूप में देखा जा रहा था। ओवरऑल शाहिद के करियर की स्टार्टिंग काफी अच्छी हुई थी। लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी अ थ्रेट फॉर शाहरुख खान येट अगेन। द विनर इज शाहिद कपूर फॉर इश्क विश्क। पर इसके बाद एक के बाद एक उनकी 5 फिल्में फ्लॉप हो गईं। मल्टीपल फ्लॉप्स के बाद रिलीज हुई चुप चुप के और 36 चाइना टाउन ने एवरेज बिजनेस किया। एट लास्ट 2006 में आई उनकी मूवी विवाह, जो कि एक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर थी। शाहिद कपूर्स करियर वॉज बैक ऑन ट्रैक, बट इसके बाद रिलीज हुई मूवी फूल एंड फाइनल वॉज अ बॉक्स ऑफिस डिजास्टर। पर फिर 6 महीने बाद रिलीज हुई जब वी मेट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। दिस कुड हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट इन शाहिद्स करियर, बट देन इस मूवी के बाद 2007 से लेकर 2013 तक शाहिद कपूर के करियर का लोवेस्ट फेज रहा। 2007 से लेकर 2013 तक उनके 10 मूवीज रिलीज हुई, जिनमें कमीने वॉज अ सक्सेस और बदमाश कंपनी ने एवरेज परफॉर्म किया। और इन दो मूवीज के अलावा उनकी बाकी 8 मूवीज फ्लॉप थी। शाहिद कपूर वॉज स्ट्रगलिंग, बट देन दिसंबर 2013 में रिलीज हुई आर राजकुमार मूवी वॉज अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस। और इसके बाद 2014 में रिलीज हुई हैदर। ये मूवी शाहिद के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। मूवी को नेशनल अवार्ड मिला, साथ ही शाहिद को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। अमंगस्ट ऑल द फेलियर देयर वॉज अ रे ऑफ होप, पर अगेन हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। इस मूवी के तुरंत बाद उन्होंने शानदार किया, जो कि उनके करियर की वर्स्ट मूवी थी। 2006 में रिलीज हुई उड़ता पंजाब में उनके एक्टिंग के लिए फिर से उन्हें क्रिटिकल अक्लेम मिली, बट अगेन उनकी नेक्स्ट मूवी रंगून वॉज अ फ्लॉप। अगेन पद्मावत वॉज अ सुपर हिट एंड बत्ती गुल मीटर चालू फ्लॉप। कबीर सिंह ब्लॉकबस्टर जर्सी फ्लॉप। ओवरऑल शाहिद कपूर के करियर में हिट से ज्यादा फ्लॉप्स रहे हैं। उनकी एक मूवी हिट होती है तो आने वाली 3 से 4 मूवीज फ्लॉप हो जाती हैं। एक के बाद एक कभी उनकी 2 मूवीज हिट नहीं हुई हैं। इसलिए ना कभी उनकी लॉयल फैन बेस बनी और ना ही बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का भरोसा वो जीत पाए। शाहिद कपूर के पास सब कुछ है जो एक सुपरस्टार बनने के लिए चाहिए होता है। गुड लुक्स, अमेजिंग डांस मूव्स, ऑसम एक्टिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑल्सो अ चार्मिंग पर्सनैलिटी। बट देन व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर हिम। और कभी कभी मुझे भी लगता था कि यार ये मेरा ब्लॉकबस्टर पिक्चर तो आ नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ यार, कुछ और ट्राई करूँ क्या। मेरे को ऐसा लगता था यार, यू नो। और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि शाहिद कपूर हैज बीन रियली अनलकी। उन्होंने अपने करियर में क्लोज टू 30 मूवीज में एक्ट किया है, जिनमें से 18 मूवीज फ्लॉप रही हैं। और अगर कुछ मूवीज जिन्होंने डिसेंट परफॉर्म किया है, उनमें उनकी जगह लाइमलाइट या क्रेडिट उनके को एक्टर्स ले गए, जैसे कि बदमाश कंपनी, 36 चाइना टाउन जैसी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया। पर क्योंकि मूवी मल्टी स्टारर थी, तो शाहिद को इनकी सक्सेस का कोई क्रेडिट नहीं मिला। चुप चुप के मूवी में राजपाल यादव और परेश रावल ने उनको कम्प्लीटली ओवरशैडो कर दिया। जब वी मेट की सक्सेस के बाद सारी अटेंशन करीना कपूर को मिली, वही पद्मावत में सक्सेस का क्रेडिट रणवीर सिंह और दीपिका ले गए, और शाहिद को सब ने इग्नोर कर दिया।
और यही पैटर्न उनकी लेटेस्ट रिलीज फर्जी में भी देखने को मिल रहा है। उनसे ज़्यादा लोग विजय सेतुपति और के मैनन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अनदर फैक्टर इज स्क्रिप्ट सिलेक्शन। शाहिद कपूर ने अपने करियर में कुछ बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट रिजेक्ट किए हैं। धनुष स्टारर रांझना मूवी को पहले शाहिद कपूर को ऑफर किया गया था, बट शाहिद कपूर ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस वक्त उनकी रोमांटिक मूवीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसके अलावा इम्तियाज अली ने शाहिद कपूर को जब वी मेट और रॉक स्टार एक साथ ऑफर की थी एंड ही टोल्ड हिम टू चूज वन स्क्रिप्ट। शाहिद एक्सेप्टेड जब वी मेट एंड रिजेक्टेड रॉक स्टार। शाहिद कपूर ने अपने की इंटरव्यू में ये भी कन्फेस किया था कि उन्हें रंग दे बसंती भी ऑफर हुई थी और वो आज भी रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ये फिल्म नहीं की। सिमिलरली शाहिद कपूर ने बैंग बैंग और शुद्ध देसी रोमांस जैसी मूवीज को भी रिजेक्ट कर दिया। शाहिद कपूर के बैड लक की बात करें तो समवन ऑन रेडिट मेंशन्ड दैट आई फील लाइक ही गॉट सैंडविच्ड बिटवीन ऋतिक एंड रणबीर सरा। ही वाज नाइदर कंपेयर्ड विद ऋतिक नॉर विद रणबीर। रणवीर सिंह केम इन टू द सीन एंड देन वी सॉ रणबीर वर्सेज रणवीर विच इज स्टिल गोइंग ऑन एंड आई फाइंड दिस ट्रू बिकॉज इस रणबीर वर्सेज रणवीर सिद्धार्थ वर्सेज वरुण इक्वेशन में समवेयर शाहिद कपूर को मीडिया ने इग्नोर कर दिया। उनको उतनी मीडिया कवरेज नहीं मिली जितना बाकी एक्टर्स को मिली। साथ ही शाहिद कपूर स्क्रीन पर भी बहुत कम नजर आते हैं। आप रेयरली उन्हें इंटरव्यूज एड या कहीं स्पेशल अपीयरेंस करते हुए देखेंगे। अदर दन दैट वो किसी भी बॉलीवुड कैंप का पार्ट नहीं है, ना ही उन्हें बड़े प्रोडक्शन हाउसेस लाइक यशराज फिल्म्स और धर्मा से उस तरह की बैकिंग मिली जिस तरह बाकी के एक्टर्स को मिली। कबीर सिंह की सक्सेस के बाद शाहिद कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि यू नो आफ्टर कबीर सिंह रिलीज आई वेंट लाइक अ बेगर टू एवरीबॉडी। यू नो आई वाज लाइक यार मेरी पिक्चर इतनी कभी नहीं चली है, ऐसी पिक्चर फिर से कैसे बनाऊं मुझे नहीं पता। शाहिद कपूर स्टार किड तो हैं बट उनके डैड एक पॉपुलर लीड एक्टर नहीं थे, वो हमेशा सपोर्टिंग रोल में रहे, इसलिए शाहिद कपूर के लिए जर्नी ज्यादा डिफिकल्ट रही। आई स्टिल थिंक यू नो पंकज कपूर का बेटा है बट आई नेवर लिव्ड विद माय डैड, नोबडी न्यू आई एम हिज सन एंड सो आई वाज लाइक आई वाज ऑडिशनिंग ऑन माय ओन, यू नो आई यूज्ड टू लिव विद माय मॉम, फॉर मी लाइक आई नेवर थॉट कि होएगा। और करीना कपूर के साथ उनके ब्रेकअप ने उन्हें बॉलीवुड के इनसाइडर्स के कैंप से और भी दूर कर दिया। वहीं करियर के स्टार्टिंग में शाहिद कपूर को चॉकलेट बॉय का लेबल मिल चुका था। ही वॉज द क्रश ऑफ एवरी गर्ल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अपने इस रोमांटिक बॉय इमेज को तोड़ने के लिए जब शाहिद ने अपने लुक्स और मूवी चॉइसेस को बदला, ही लॉस्ट अ ह्यूज चंक ऑफ दैट फॉलोइंग। साथ ही साथ उनके बैक टू बैक हुकअप्स, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और इंसिडेंट्स ने भी उनकी जो लॉयल फीमेल ऑडियंस थी उनको उनसे दूर कर दिया। वन ऑफ हिज फीमेल फैन रोट, आई रिमेंबर ड्यूरिंग हिज इनिशियल डेज आई रियली लाइक दिस गाय, आई फेल्ट लाइक ही वुड बी द नेक्स्ट SRK और समथिंग। हिज ऑफ स्क्रीन पर्सोना वॉज ऑल्सो प्लेजेंट बट द मोर सक्सेसफुल ही गॉट ही स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू लाइक। मे बी विथ अपकमिंग रिलीजेज शाहिद कपूर विल गेट द सक्सेस ही डिजर्व्स और मे बी ही विल ऑलवेज रिमेन द मोस्ट टैलेंटेड अंडर अचीवर।